अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पाए, बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। ज़रूर पूरी रेसिपी देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये हमने पाए लिए हैं, 4 अदद बछिए के पाए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म पानी में वॉश कर लिया है, क्योंकि बाल वगैरह जो भी है अच्छी तरह से वॉश कर लेना है बिल्कुल। और इसको फिर हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। देख सकते हैं आप कितने साफ़ हो गए। और हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पहले हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे पानी में। ये देख सकते हैं पानी हमारा बॉईल करने हमने रख दिया है। और हम इसमें डालेंगे 2 चमचे साबुत धनिया और 2 चमचे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चमचे जो है सौंफ। और इसको हम पानी में डाल देंगे। चाहे तो आप घर में मलमल के कपड़े में ये सब चीज़ें डाल के पोटली बना के भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें पहले पानी में हम डालेंगे प्याज 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज डाल देंगे। और ये जो हमने बनाए हैं धनिया वगैरह का, ये भी डाल देंगे बॉयल। और हम इसमें डालेंगे अब गोल मिर्चें 6 से 7 अदद और अदरक हमने दरमियानी साइज़ के लिए क्रश कर लिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम पकने देंगे। हम इसमें अब हल्दी भी डालेंगे 1 चम्मच भर के, और 2 चम्मच हम नमक डालेंगे। और हमने लहसुन लिया है, साबुत लहसुन लिया है 1 प्याली। ये हम इसमें सब चीज़ें साबुत शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं 1 प्याली लहसुन लिया है। और अब हम इसमें पाए डाल देंगे जो हमने वॉश करके रखे हैं। मैं इसमें सब चीज़ें साबुत डाल रही हूँ, क्योंकि जो है पाए गलने में बहुत टाइम लगता है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से घुल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कुछ चीज़ें इसमें साबुत ऐड की थी। साबुत कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाए गलने में भी काफ़ी टाइम लगता है, घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि गैस का भी इशू है वैसे ही। अब हम इसको ढक देंगे, अच्छी तरह से हम पकने देंगे जब तक अच्छी तरह गल ना जाए। और हमने जो है गोश्त लिया है, बोंग का गोश्त है 2 किलो। और ये हमने देख सकते हैं इस साइज़ की बोटी बनवाई है, थोड़ी बड़ी साइज़ की। और हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे 1 चम्मच नमक डाल के। और पाए देखते हैं, ये देख सकते हैं आप पकना शुरू हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक रहे हैं। और जब तक हम इसका मसाला रेडी करेंगे, 2 चम्मच हमने साबुत लहसुन अदरक का पेस्ट बड़े चमचे लिए हैं, 4 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर और 4 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी 1 चम्मच। और हमने ये जो है प्याज हमने ये 2 अदद दरमियानी साइज़ की, इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसको हम ऊपर से डालेंगे लास्ट में। और थोड़ी सी प्याज हम इसमें छोड़ देंगे। और इसमें हमने साबुत गरम मसाला, दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग और जो है काली मिर्ची। और हम इसमें मसाले में 1 पाव दही भी हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बैटर बना लेंगे। और प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और ये बैटर भी हमने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और जब ये तेल छोड़ दे तो समझे मसाला रेडी है। फिर हम इसको ढाके जो हमने पाए बॉईल करने के लिए रखे हैं उसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं पक रहे हैं अच्छी तरह से, ये गल चुके हैं। कम से कम इसको 3 घंटे हमें लगे हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं अब ये। और गोश्त जो हमने बॉईल करके रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब जो हम मसाला इसका हमने रेडी करा है उसे तो अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। मसाला भी हमारा रेडी होने वाला है, ये देख सकते हैं आप। ये रेडी हो चुका है।
अब हम इसको पाए में डाल देंगे और अच्छी तरह से हम पाए को मिक्स करेंगे मसाला डालने के बाद, और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पाए में मिक्स हो जाए। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए, ये पाए हमारा रेडी है। और हम इसमें धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, चाहे तो आप ऊपर से अदरक और हरी मिर्ची वगैरह जो भी आप डालना चाहे लेमन वगैरह, वो तो हम लास्ट में डाल के। पाए हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसमें बस 2 चमचे गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और धनिया हमने बारीक काट के रखा हुआ है और धनिया शामिल कर लेंगे। पाए हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।